खा तो रही थी रोटी में अभी। अरे खाना मैं खा रहा हूँ तो अगर मैं रोटी लेने आ गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? और तुम इतना घबरा क्यों जाती हो छोटी छोटी बात पर? पूनम, पूनम कितना टाइम लगेगा और? हाँ बस एक मिनट में लाई। कब से आवाज लगा रहा हूँ, बहरी हो गई हो क्या तुम? बस बना ही रही थी रोटी। कब से बना रही है रोटी, आधे आधे घंटे वेट करूँ मैं रोटी का? बहरी हो तुम? अरे कब से बोल रहा, सुनाई नहीं दे रहा क्या? ऐसे नहीं मानेगी, रुक, लगता तू ऐसे नहीं मानेगी। अरे कहाँ खो गई? तुमने रोटियां तो बना ली है ना सारी, तो चलो साथ में लंच करते हैं, आ जाओ। मैम आपका पार्सल। थैंक यू भैया। कौन था? पार्सल वाला था, मैंने कोई बात नहीं करी उससे। मैम आपका पार्सल। मैं तो कोई पार्सल नहीं मंगाया, क्या एड्रेस है? मैम एड्रेस तो यही है। हाउस नंबर कौन सा है भैया? मैम ये 402 नंबर है। नहीं भैया ये 401 है, आगे से आप सीधे हाथ को हो जाइए, आपको 402 मिल जाएगा वहाँ पे। अच्छा अच्छा सॉरी मैम। ठीक है भैया। कौन था? वो डिलीवरी बॉय था, एड्रेस पूछ रहा था। अच्छा एड्रेस पूछ रहा था, ऐसा है ना मुझसे ना ज़्यादा चढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, तेरे को पता नहीं है मैं दरवाजे में सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है, जो तू हंस हंस के बात कर रही थी ना उससे मैं सब देख चुका हूँ। आज की चल रही है तेरी? छोड़ो ना प्लीज, लग रही है मुझे। जाके चाय बना। अरे आई नो वो पार्सल वाला था, तुम बात बात पे इतना घबरा क्यों जाती हो? वैसे क्या मंगवाया इसमें? वो कुछ नहीं, वॉच खराब हो गई थी ना वही मंगवाई है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अच्छा किया तुमने ऑर्डर कर दिया, मैं ऑर्डर करने ही वाला था। चलो ठीक है आ जाओ लगाते हैं इसको। ये बेल्ट कहाँ फंस गई है? प्लीज मुझे मारना नहीं, मुझे बेल्ट से बहुत डर लगता है, प्लीज मुझे मारना नहीं। सॉरी मैंने जानबूझ के नहीं मारा, प्लीज सॉरी। प्लीज पूनम मुझे माफ कर दो, मैंने इंटेंशनली नहीं मारा, तुम रो मत प्लीज। तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी है? नहीं ज्यादा तो नहीं लगी, पर पूनम मुझे समझ में नहीं आया तुम इतना एक्सट्रीम बिहेवियर क्यों कर रही थी कि मुझे मारना मत, मुझे बेल्ट से बहुत डर लगता है। और मैंने कई बार नोटिस किया है कि तुम बहुत छोटी छोटी बातों पर घबरा जाती हो, क्या बात है पूनम मुझे बताओ क्या बात है? कुछ नहीं अमित। देखो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें समझ कैसे पाऊंगा, और हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। अमित आपको पता ना मेरी दूसरी शादी है, और जो मेरा पहला हस्बैंड था ना वो मुझ पर बहुत शक करता था, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होता था, और कई बार तो मुझे मारता भी था, और आज तक मैं उस बात को भूल नहीं पाई हूँ। इसीलिए जब भी आप मेरे पास आते हो तो मैं डर जाती हूँ, सहम जाती हूँ, क्योंकि आज तक मैं अपने पास को नहीं भुला पाई। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे पता है मैं अपने पास को आपके ऊपर थोप रही हूँ, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपनी पास्ट लाइफ भूल जाऊं और इस लाइफ पे ध्यान दूं। आई एम सॉरी पूनम, मुझे नहीं पता था कि तुमने अपने पास्ट में इतना सब कुछ झेला है, पर मैं तुमसे वादा करता हूं कि अब हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा और सिर्फ प्यार होगा, और तुम्हें वो कोई भी चीज़ दोबारा नहीं झेलनी पड़ेगी जो तुमने अपने पास्ट में झेली। मैं तुम्हारा पास्ट तो नहीं बदल सकता,
लेकिन तुम्हारा प्रेजेंट जरूर बहुत अच्छा बनाऊंगा, आई प्रॉमिस।